तो फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर कल्चर का जो प्रोटोजोआ के कल्चर मेथड में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? नंबर वन, प्रिलिमिनरी वॉशिंग ऑफ द स्टूल, जो स्टूल सैंपल है वो फ्रेश होना चाहिए, और इसके बाद में उसकी स्टूल सैंपल स्टूल का को हमको वॉशिंग करना चाहिए, ताकि उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल है जो कि दैट में इंटरफियर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रोफोजोआइट्स ऑफ अमीबा, दैट इज एक्टामीबा के प्रोटोजोआ के जो ट्रोफोजोआइट्स हैं उनकी ग्रोथ में इंटरफियर करेंगे, तो उसका हमें स्टूल को आपका वॉशिंग करनी है। सेकेंड मेथड फॉर वी विल अप्लाई द कॉन्सेंट्रेशन मेथड, तो इस कॉन्सेंट मेथड से क्या होगा कि जो मटेरियल हम तैयार करेंगे उसमें लार्ज नंबर ऑफ ओवा सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट्स मिलने की संभावना होती है, और इसलिए कल्चर में वो मल्टीप्लाई हो करके मतलब ही विल गेट वेरी गुड पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम कल्चर कॉन्सेंट्रेशन मेथड, एक गुड कल्चर मेथड में एडिशन ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टूल हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ट्रोफोजोइट इन द स्टूल सैंपल। तो यूजली व्हाट वी डू कि आफ्टर टेकिंग द सैंपल वी विल ऐड सम एटेनुएटेड बैक्टीरिया द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। एटेनुएटेड बैक्टीरिया मीन्स हाई टेम्परेचर पे उन बैक्टीरिया को रखते हैं, तो बैक्टीरिया जो है नॉन लिविंग हो जाते हैं, और ऐसे नॉन लिविंग बैक्टीरिया जो है ना अगर हम इसमें मीडिया में मतलब ऐड करते हैं तो वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर ऑफ द कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ 0.1 मिलीग्राम ऑफ सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड को ऐड करें, या 0.3% नेचुरल थायोग्लाइकोलिक एसिड, और आपको ऐड करिए केमिकल ऐड करने से मतलब द ग्रोथ इज बेटर। देन लास्टली द मीडिया इज क्रिएटेड एज एनएरोबिक मीडिया क्रिएट करने के लिए वी विल यूज द नाइट्रोजन गैस इन द टेस्ट ट्यूब। सो दीज आर ऑल सम प्रिकॉशन टू फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ कल्चर ऑफ प्रोटोजोआस। तो इसमें दो चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे कि जनरली प्रोटोजोआ का कल्चर हम जो करते हैं वो स्टूल सैंपल में करते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन जो है ना स्टूल फ्रेश होना चाहिए। दूसरी बात जो है ना इसके लिए कल्चर प्लेट्स प्रिपरेशन करना चाहिए। कल्चर प्लेट्स प्रिपरेशन में सबसे पहला जो है हम कल्चर ट्यूब्स को अच्छी तरह से वॉश करके स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद में इन ट्यूब्स को हार्श सीरम के साथ में जो है ना हम गर्म करते हैं, जिससे टेस्ट ट्यूब में हार्श सीरम की कोटिंग हो जाती है। इसके बाद में हम जो है ना आपका हम आपका जो एग एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एग एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन जो है ना राउंड अबाउट 4-5x को आपका को निक करके उसका वाइट वाला पोर्शन एल्ब्यूमिन निकाल लेते हैं, और इसको हम 1 लीटर रिंगर सॉल्यूशन में हम आपका घोल करके उसको ऑटोक्लेव करते हैं, और तो इस तरह से जो है ना हमारा ये मीडिया तैयार हो जाता है। और इसके बाद में रिंगर सॉल्यूशन हमने आपको बताया है वो इसमें आपका दिया हुआ है। उसके बाद में आपका जो टेक्निक है वो उसमें जो आपकी कल्चर ट्यूब्स हैं उसमें हम इनाकुलेशन जो है ना लूप टंगस्टन लूप से ना करके 1 ml आपकी सिरिंज ऑटोक्लेव सिरिंज के द्वारा करते हैं, और ये जो हमारा स्टूल सैंपल जो हमने तैयार किया है उस स्टूल सैंपल से 1 ml सिरिंज की सहायता से हम आपका 0.1 ml to 0.5 ml मटेरियल लेकर के
उसमें रख देते हैं और इस तरह से कल्चर टीम को अच्छी तरह से बंद करके इनक्यूबेशन करते हैं आपका फॉर 24 आवर्स। देन वी विल टेक द मटेरियल फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से जो मटेरियल को हम मतलब सिलिंग द्वारा लेते हैं और उसकी प्लेस राइट पर ट्रोफोजॉइट के लिए एग्जामिन करते हैं और ट्रोफोजॉइट को एग्जामिन करने पर एक फील्ड में हमें कितने ट्रोफोजॉइट मिलते हैं वो हम काउंट करते हैं। नंबर वन, अगर आपको ट्रोफोजॉइट नहीं मिलते हैं तो व्हाट यू विल डू, यू विल कीप फॉर इंक्यूबेशन फॉर एन अदर 24 आवर्स, मीन्स आफ्टर 48 आवर्स यू विल सी इफ यू डू नॉट गेट एनी ट्रोफोजॉइट और एक्टामीबा हिस्टोलाइटिका ट्रोफोजॉइट, then we will report the sample as negative. And for better culture report, मैंने आपको बताया कि इतने प्रिकॉशन आपको लेना है. Okay, अब इसको हो गया ना।